साहब वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी तुहाडे वास्ते वीडियो बनाने जा रहे हैं जिदे च असी तुहानू दसांगे कि कैसे GFI गतका फैडरेशन ऑफ इंडिया की जिहड़ी कंपीटीशन की गेमां खेडियां जांदियां पूरे दिल्ली इंडिया के अंदर उहदे विच जो गतका फैडरेशन इंडिया का जो रूल रेगुलेशन है जो असी तुहानू सर्कल विच पूरे दसांगे कि रूल रेगुलेशन है, पॉइंट का हिसाब किस तरह हुंदा है, किस तरह गेम खेडी जाती है, की फाउल है, किस तरीके दे नाल की खेडा जाता है, वह सब चीज़ें तुहानू असी दसांगे। वीडियो स्टार्ट करन लगे हाँ जिहदे विच तुहानू दसदे हाँ कि किस तरीके नाल इह गेम खेडी जाती है। तो तुसीं पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिओ। सब तो पहला तुहानू इस गेम के जो पॉइंट लैवल है जिस बेस पर यह गेम खेली जाती है उसके बारे दसना चाहूँगा कि जो पॉइंट किस हिसाब में दिते जाते हैं। अगर तुसी किसी बंदे दे इस चेस्ट गार्ड के उपर मरते हो इस पक्षी पर या इस हथ पर या इतने पूरे एरिए अंदर तुसी जिधर भी मर्जी मारते हो तुहानू दो पॉइंट मिलेंगे। सिर पर भी तुसी जिथे मर्जी मारते हो ये तुहाडे दो पॉइंट है, ये तुहाडे दो पॉइंट हो गए। इस तों इलावा जे हुण जिहड़ा कमर तों थले है जिहड़ा चेस्ट गार्ड तों थले दा एरिया है इत्थे मारदे ही तुहानू एक पॉइंट मिलेगा। तुसीं भावें एवें मारो या एवें मारो इस तों कमर तों थले हुंदे ही भावें इत्थे भी लगेगा तां वी एक पॉइंट ही है। तो एक पॉइंट हो गया, ये दो पॉइंट हो गया। इहदे विच ही एक होर चीज़ है तीन पॉइंट, जिहड़ा तीन पॉइंट है उहदा उह जिहड़ा तीन पॉइंट लैण दा तरीका है उह सानूं पैर पूरा बाहर कढ के प्रोपर पिट लैण दा कि असीं जिवें पूरा पिट लैंदे हाँ तां उहदा तीन पॉइंट है, एक पॉइंट पैर का, दो पॉइंट पूरा शरीर का कमर तों लैके उपर तक का, तो जिहड़ा तीजा पॉइंट हैगा वह कमर का। तो साढ़े तीन वार हैगे है जिहदे अलग अलग पॉइंटा के हिसाब से बंदा जेतू या हार हो सकता है कहिंदा। इस करके ये चीज़ जिहड़े मेन रूल है ये चीज़ देखना है। हुण दे सब तो जिहड़ी मेन चीज़ है वारा दे विच ही कहिंदे है कि असीं जिहड़ी ये स्टिक है कृपान कह लो जो भी कह लो इहदा असीं धार वाला हिस्सा मारना है जिहड़ा ए फर वाला हिस्सा है। असीं सिर्फ ए वाला हिस्सा मारांगे इहदे पॉइंट मिलणगे। जे अगर असीं ए वार मारदे हाँ पुट्ठा ये फाउल है, बिना धार तो अगर जो मारते हैं असं इधर मारते हैं या इधर मारते हैं ये फाउल है। सानू सिर्फ यही वाला हिस्सा मारना है धार वाला पूरा, ये चीज़ मारी या ये चीज़ मारी इहदे दो पॉइंट है। अगर असं पुठे वार मारते हैं तो ये पॉइंट नहीं है। पिठ का भी सेम हाल है, पिठ का भी असी ये चीज़ नहीं मार सकते, ना ही असी ये चीज़ मार सकते हैं फर दिखा के। सानू पिठ प्रोपर ये चीज़ दिखा के मारनी है फर की जिसे सानू पॉइंट मिलेंगे, और यह मारते सार ही पुठे वार सानू सीधा फाउल है। तो इस करके यही चीज़ असी नहीं चलनी, असी पूरी कोशिश करनी है जो असी वार मारने हैं वो असी इस बेस पर मारने हैं। जिधर मर्जी मारो भावें तुसीं कहिंदे इह तुहाडे वार है, वार इस फर दे बेस पर है क्योंकि फाउल नहीं लैणा। पहली गल है कि असी भरवा वार नहीं मार सकते। भरवे वार का मतलब है कि जो असी शोल्डर दे नाल पूरा लैके जांदे हां ये असी वार नहीं मार सकते, ये फाउल है। असी सिर्फ गुट का इस्तेमाल करना है, गुट के हिसाब से असीं जिहड़े वार मार सकते हैं ये साढ़े पॉइंट गिने जाएंगे क्योंकि ये वार होले होंगे। जेड़े असी ये वार खिंच के मारांगे, ये वार खिंच के मारांगे ये भरवे वार कलाए जाएंगे ये फाउल है। इस करके तेज़ वार नहीं मारना, अपनी गुट की स्पीड के नाल गुट के वार मारने जो सामने वाले प्लेयर को ज़्यादा जख्मी ना करा। पहली गल तो यह होगी। दूजी गल है कि ये असी ये हुक वार नहीं मार सकते, जिहड़ा ए वार है ये वार नहीं अलाउ। असी सिर्फ नॉर्मल या तो ए वार मार सकते हैं इस पूरी बॉडी के जिधर मर्जी इस साइड के, पर पूरी ही बॉडी के इस साइड जिधर मर्जी असी ना पूरे हाथ खोल के हमें भरवा वार मार सकते हैं फुल स्पीड के, ना ही असी ए वार मार सकते हैं जो मैं तुम्हें दस चुके हाँ कि ना ही असी पुठे वार मार सकते हैं। ये पुठे ये सारे चीज़ा तो सीधा एको वारी ही फाउल दिलाएंगियां। इस तों इलावा जिहड़ा ये बंदे का जैकेट है जिहड़ी ड्रेस है असी जैकेट की जाली तो नहीं मार सकते। ये जिवें ये असी मारिया ये जाली तो फाउल है, सीधा असी एवें करके मारिया ये जाली तो फाउल है, असी जाली तो नहीं मार सकते। ये भी सानू सीधा फाउल दिलाएगा जो सानू कितने ना कितने डिस्कवालीफाई भी कर सकता। तो इस करके सानू अपना पूरी रूल रेगुलेशन के हिसाब नाल आराम नाल गेम खेडनी है ताकि असी बड़े आराम नाल प्यार नाल गेम खेड के जा सकी। एक चीज़ होर है जो साडे कॉम्पीटिशन दे एक रूल ये भी है कि जो स्पोर्ट्स ड्रैस होंदी है जिहड़ी असी उस ड्रैस दे विच ही खेड सकते हैं। ये लोअर कोई भी तरीके का होवे लोअर असी पा सकते हैं, लोअर अलाउ है और टी शर्ट अलाउ है। असी कोई भी जीन्स पा के या कोई भी दूसरी होर चीज़ पा के असी नहीं खेड सकते, ट्राउजर वगैरह असी सिर्फ पजामा और टी शर्ट पा के ही खेड सकते हैं। अगर इस तों इलावा असी कोई भी चीज़ पाने तो वह फाउल है। जोड़े शूज़ है वह भी स्पोर्ट्स होने चाहिए, नॉर्मल दूसरे नहीं होने चाहिए, वह भी उन्हों का भी फाउल है। फीते वाले शूज़ होने चाहिए है, ये चीज़ का ध्यान रखते हुए कहते गौर तरीके क्योंकि ये मेन
चीज़ गौर की जाती है तो ये फाउल नहीं लेने असं कहते। ये जो जी एफ आई की गेम है ये दो इवेंट होंगे है, एक तो सिंगल स्टिक का इवेंट है जिसे एक सिंगल स्टिक के नाल पॉइंट खेडे जाएंगे, अटैक प्लस डिफेंस दोनों इस स्टिक के नाल ही होंगे। एक ये ही कहते हैं फरी सोटी का इवेंट है जिसे तुम अटैक स्टिक नाल ते डिफेंस फरी नाल ते सोटे नाल दोनों चीज़ों नाल कर सकते हो। ये दो इवेंट हैगे है जिसे तुम कोई भी चीज़ पार्टीसपेट ले सकते हो, भावें सिंगल स्टिक या फरी सोटी जिसे इंटरेस्ट हो। फाउल बारे भी दसना चाहवागा, ये टोटल तीन फाउल है, ग्रीन येलो ते रेड, ये तीन कार्ड हैगे है। पहला जिहड़ा कार्ड है ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड का मतलब है कि तुम कोई गलती की है तो वो वॉर्निंग मिल रही है कि हुणे गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। दूसरा जिहड़ा कार्ड है वो येलो कार्ड है, उसका मतलब यह है कि तुम सेम गलती या कोई भी गलती दोबारा कर रहे हो वड्डी, तो उसे तुहानू उस येलो कार्ड के बदले एक पॉइंट माइनस किया जाएगा जो तुहाडे तुसी पॉइंट लिते हैं अजे तक। और जो तीसरा मेन कार्ड है रेड कार्ड, उसका मतलब यह है कि तुहाडा वॉर्निंग और पॉइंट लैस का काम खत्म हो गया, हुण सीधा तुहानू डिस्कवालीफाई करना। जिवें दसण जा रहा है, यह तुहाडा सर्कल है, यह सर्कल 15x15 फुट का सर्कल है जिसे अंदर असी गेम खेडनी है। इस सर्कल के अंदर यह मेन एक राइट साइड पर खड़ा है, एक लैफ्ट साइड पर खड़ा है, दोनों प्लेयर खड़े हैं। कहते हमेशा जजमेंट टेबल के राइट हैंड साइड पर रैड प्लेयर होंगे तो लैफ्ट हैंड साइड पर ब्लू प्लेयर होंगे। तो असी देख सकते हैं हुण जब तक रैफरी अंदर बुलाने की नहीं दिता परमिशन तद तक प्लेयर दोनों अंदर नहीं आ सकते, दोनों लाइन के कोने पर खड़े है। और जिमें ही रैफरी परमिशन दिता है उस हिसाब न अंदर उस हिसाब न दोनों प्लेयर अंदर आते हैं। अंदर आने तो बाद यह लाइन है एक बंदे की आपस की गैप की लाइन जो सेंटर लाइन जिन्होंने कहें कहें ये नेड़े तेड़े आके छोटिया दोनों तो इस हिसाब न पोजिशन बनानी है ये आके। इस तो बाद जब तक रैफरी फतेहनामा नहीं कहेगा तब तक फतेहनामा नहीं लेना। फतेहनामा फतेहनामा होंदे ही रैफरी एक बारी दोनों ये गल पुछेगा, ये कहते हैं ठीक। उस तो बाद लाइन टच नहीं होनी चाहिए, ये लाइन तो पिछे रहना पैर हमेशा। एक होर है कि असी जो फतेहनामा लैन तो बाद साड़ी गेम स्टार्ट होंगी है रैफरी स्टार्ट करन नूं कहिंदा है, उहदे विच जिन्हें पहला पैर पुटता चढ़ाई उहदी होंगी। चढ़ाई का मतलब है कि जिन्हें पहला शुरुआत करती चढ़ाई उहदी होगी। ये सब तो मेन का फोकस पॉइंट है क्योंकि चढ़ाई ही मेन है ये कि अगर मैं चढ़ाई करती चढ़ाई के विच ये मैनू वार नहीं मार सकता, जिवें हुण मेरी चढ़ाई सी इन्ने वार मारिया ये फाउल है तो यदि वड्डी गलती है जिदे नाल इहनू फाउल मिलेगा क्योंकि मेरी चढ़ाई तो यह मैनू वार नहीं मार सकता। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कहते कि जब मेरी चढ़ाई है तो मेरी चढ़ाई के बीच सिर्फ मैं ही वार मारा, ये डिफेंस करेगा सामने वाला बंदा हमेशा डिफेंस करेगा। उस तो बाद फिर मैं इनू मार के पिछे जावांगा, मैं उत्थे मार के खड़ा नहीं हो सकता। ये भी फाउल है कि अगर मैं उत्थे मार के उत्थे ही खड़ा हो जाऊँगा बल्कि अगे वध रहा वहाँ यह कितने ना कि फाउल है, इस करके सानू मारन तो बाद पिछे आना है। एक या दो स्टेप सानू पिछे आना पेगा जिदे नाल उस बंदे नू मौका मिले चढ़ाई करन दा। उस तो बाद मैं हुण इनू मारिया या इन्हें मैनू मारिया तो इस तो बाद सानू इनू 3 सैकेंड का टाइम देना पेगा जो एक रूल बुक के हिसाब से लिखा पे है कि अगर मैं अगर एक वार मारता तो उस तो बाद 3 सैकेंड के अंदर ये मैनू वार मारेगा। ये नहीं है कि मैं वार मारिया ये लग्या और इन्हें एकदम छड़ता, ये भी फाउल है। एक तो सीगा कि मेरी चढ़ाई तो नहीं मार सकता, दूजी गल हैगी है कि जे मैं ये वार मारिया और ये वार लगी लगन तो बाद ये भी मैनू वार मार रहा तो कितने ना कितने ये भी फाउल है ये क्योंकि खड़े पैर पर वार नहीं मार सकता, वार मारते ही इनू मूवमेंट करनी पेगी पैर जिदे नाल कि ये एक चढ़ाई दे लैके फिर वार मार सकेगी। तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखियो कि चढ़ाई वेले वार नहीं मारना दूजे की, और दूजी गल जब असी वार खा लिया तो सानू हत्तों हत्त वार नहीं छड़ना, सानू उत्थे उन्नू टाइम देना है 2-3 सैकेंड का जिदे नाल उन्नू टाइम मिल जाए तो फिर टाइम लैके फिर सानू मार सके। ये रूल बुक के हिसाब नाल ये नियम है जिन्हों तुहानू फॉलो करना पेगा, ये कहते इसे ध्यान रखियो। दूजी गल जब मैं इस पर चढ़ाई कर रहा तो मेरे को 3 सैकेंड है, मैं 3 सैकेंड ना किसी को आके खड़ा हो सकता वहाँ, उस तो बाद अगर मैं वार नहीं मारता मैं खड़े खड़े एवें करी जा रहा तो यह मैनू मार सकता और ये पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कहता मेरे 3 सैकेंड खत्म हो गए क्योंकि मैं इतने खड़ा होकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, पूरा टाइम नहीं खराब कर सकता। अगर एक बंदा पिछे जा रहा और मैं नाल चल रहा तो ये चीज़ 3 सैकेंड का कोई मायने नहीं है क्योंकि वह पिछे जा रहा है, मैं मारन की स्पेस नहीं मिल रहा।
पर जे अगर मैं इतने आके खड़ा हो गया को उसी बार मैं घुमाने की कोशिश कर रहा मैं जगह नहीं मिल रही जो भी कुछ हो रहा है मैं नहीं वार मार रहा तो मैं वार छड़ सकता है जो पॉइंट है तो इस करके ये चीज़ का ध्यान रखियो कि जाते सार ही एक या दो सेकंड में वार मारना पेगा ता ही तुम्हें फाउल नहीं मिलेगा और तुम्हें पॉइंट मिलने अगर तुम पॉइंट इतने मारते हो बक्की तो दो पॉइंट है अगर गलती नाल भी तुम एवें मारते हो इतने लगती है और इतने भी लगती है तो कितने ना कितने एक पॉइंट है तो कोशिश करो कि वार में एवें मारियो ताकि दो पॉइंट मिले फतेनामा हो चुके हैं। उसके बाद असं तुम्हें एक छोटी जी डेमो दिखा के दिखा रहे हैं कि कैसे ये प्लेयर गेम खेलते हैं पॉइंट का की हिसाब है की फाउल है की सब कुछ है तो तुम दो मिनट इस गेम में देख सकते हो स्लो स्लो के इस करके हूँ ठीक ठीक स्टार्ट पॉइंट फतेनामा होल्ड जिन्हें कि तुम देख रहे हो फाइट खत्म हुई। उसके बाद जिधरों की बंदा ने शुरुआत की थी शुरू में रेड बंदा जो राइट साइड पर सीगा लैफ्ट बंदा ब्लू बंदा मेरे लैफ्ट साइड पर सीगा तो इसी पोजिशन पर आके वापस फतेनामा फतेनामा लेंदे सार ही हूँ मैं जब तक नहीं गाँगा बाहर जाओ तो बाहर नहीं जा सकते अगर ये सर्कल तो बाहर चले जाते हैं तो वह फाउल अगर गेम खत्म हो गई कहता बाहर जाओ मतलब कि तुम जा सकते हो बाहर तो हमें बाहर जाके देख चुके हो असं तुम्हें ऑलमोस्ट सारे रूल रेगुलेशन दस चुके हैं कि गेम की फाउल की पॉइंट्स तो की रैफरी के हिसाब ना तुम गेम खेलना सर्कल के किस तरीके खेलना है सर्कल के बाहर का की फाउल है की अंदर फाउल है किस तरह के पॉइंट मिलते हैं दो पॉइंट तीन पॉइंट एक पॉइंट का की हिसाब है सब बारे तुम्हें मैं दस चुका वहाँ बाई चांस तुम्हें किस चीज़ की कोई प्रॉब्लम लगती है कोई चीज़ तुम्हें सोल्यूशन लभना है कुछ तुम्हें पूछना है तुम कमेंट बॉक्स के अपने राय दे सकते हो सुझाव दे सकते हो या फिर कुछ पूछ सकते हो अपने बारे बाकी असं तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ दस चुके हैं तुम इस चीज़ को देख के भी अपनी गेम सुधार सकते हो या पूरी चीज़ शुरुआत कर सकते हो अपनी गेम की बाकी अगे असी होर नवी नवी वीडियो इस गेम के लिए लैके आवेंगे जिन्होंने तुम देख देख के होर गेम सीख सकते हो कि वार नूं आपां प्रोपर कैवें करिए वार दे चाल कैवें होंदी है पूरी कहिंदे आ असीं किस तरीके नाल सर्कल कवर कर सकते हैं ये सारी चीज़ां असीं तुहानूं नैक्सट वीडियो दे विच बना के जरूर दसांगे। बाकी इस वीडियो नूं हुण तुसीं पूरी तरीके नाल सपोर्ट करो लाइक करो साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो बाकी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।